हे गाइज के शो आप लोग स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ वालों के लिए रस और जैसे कि कहच आप सब लोग जानते हो और अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आप लोग के एग्जाम में क्लास टेंथ वालों में हास्य रस अथवा करुण रस ही आता है इसके अलावा और कोई रस नहीं आता है तो सो यदि इस वीडियो में हम देखेंगे हास्य रस और करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित कैच देखिए इसमें क्या होता है कि रस में उदाहरण काफ़ी मायने रखते हैं और उदाहरण आपको काफ़ी देखेंगे कि बड़े बड़े काफ़ी उल्टे मतलब ऐसे मिलेंगे कि जल्द आपको याद नहीं होंगे ठीक है लेकिन देखिए मैं आपको एकदम अच्छे से उदाहरण बताऊंगा उसका अर्थ भी बताऊंगा और काफ़ी छोटा बताऊंगा

हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहां हास्य रस होता है ठीक है देखिए विनोद का भाव यानी हंसी का भाव उत्पन्न होता है वहाँ रस होता है ठीक है तो देखिए किसी व्यक्ति के अनोखे रूप अनोखे रूप कहने का मतलब क्या कि मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है साधारणतः तो हम लोग के हाथों में पांच उंगलियाँ होती हैं किसी किसी के मान लीजिए अंगुल ए, मतलब पाँच मतलब एक हाथ में ठीक है पाँच उंगलियों का जो सात उंगली आठ अंगुलियाँ हो गई ठीक है तो आपको उसका अनोखा जो रूप है उसको देख हंसी आएगी कि नहीं आएगी आएगी ही आएगी ठीक है अनोखे रूप आकार ठीक है मान लीजिए आकार भी मान लीजिए कोई व्यक्ति काफ़ी बड़ा है या किसी छोटे आप जैसे बौना बोलते हैं उसको देखकर आपको हंसी मतलब आती है कि नहीं आती है आती है ठीक है तो आ, आ, वो आकार हो गया या वेशभूषा मान लीजिए कोई लड़का है लड़की का कपड़ा आया है ठीक है तो यानी उसकी वेशभूषा देखकर आपको हंसी आएगी ठीक है तो ये सब इसके कारण जो मतलब हृदय में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है हाँसे का भाव होता है या विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है ठीक है गाइस तो इसकी आप इसी तरह डिफिनीशन दे दोगे कि किसी व्यक्ति के अनोखे रूप आकार वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस होता है उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हो नाना वहाँ नाना वेशा बेहस शिव समाज ने ज देखा देखिए क्या इसका अर्थ है देखिए जब शिव जी शादी करने जाते हैं ठीक है तो देखिए उनकी बारात में विभिन्न प्रकार के लोग जाते हैं ठीक है लंगड़े लूले मतलब ये विभिन्न प्रकार के उनकी वेशभूषा भी आ, मतलब विभिन्न प्रकार की होती है ठीक है तो उन्हीं को देखकर जो मतलब लोग यानी जन का मतलब काफ़ी हंसते हैं ठीक है या उनके हृदय में हंसी की भावना उत्पन्न होती है उसी को और वहीं पे हम लोग का हास्य रस होता है ठीक है तो ये इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है हास्य रस का नाना वाहन नाना वेशा विहे शिव समाज ने देखा ठीक है गईज तो आई होप आप लोग को हास्य रस एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा चलिए अब हम करुण रस देखते हैं गईज देखिए करुण रस में आप लोग देखोगे ठीक है चलिए देखिए करुण रस देखिए किसी अपने प्रिय व्यक्ति के प्रिय सॉरी किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने इष्ट वस्तु वैभव आदि के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है या हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है वहां करुणस होता है देखिए किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने पीड़ित यानी वो समझ ही रहे इष्ट वस्तु मतलब इष्ट यानी सुंदर उसके प्रिय वस्तु ठीक है वैभव वैभव मतलब वही सम्मान आदि के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है वहाँ करुणस होता है ठीक है गाइज आप लोग की डिफिनीशन एकदम अच्छे से क्लियर हो गई चलिए उदाहरण मैं इसका बताता हूँ देखिए उदाहरण में मैंने दो थे लिखा था लेकिन ये पहला उदाहरण मुझे काफी बड़ा लगा ठीक है तो इसलिए मैंने एक दूसरा उदाहरण लिख लीजिए लिख लिया और मैं आ, आपको सजेस्ट भी करूंगा काफी सेकेंड उदाहरण याद करें क्योंकि काफी छोटा है और काफ़ी मज़ेदार भी है देखिए क्या है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखिए सीता मृग नैनी देखिए इसका अर्थ क्या है देखिए इसका अर्थ ही ये है कि देखिए जब राम जी जंगल में रहते हैं तो जब रावण सीता को उठा कर ले जाता है ठीक है तो उस समय राम जी क्या करते हैं कि इधर उधर भटकते हैं और सीता जी को खोजते हैं ठीक है तो उस समय वो पशु पक्षियों से बोलते हैं कि हे पशु पक्षियों क्या तुमने मृग के समान नैनों वाली सीता को कहीं देखा तो ये होता है उनके खो जाने पर या आ, क्या होता है कि इनको मतलब एक आ, एक, आ, एक भाव हृदय में क्या होता है कि एक भाव उत्पन्न होता है और वहीं करुणस होता है ठीक है गई तो कि आ, ए, इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लोगे कि, कि किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने इष्ट वस्तु आदि के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुणस होता है और वहाँ इसका लिख लोगे कि हे खग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग ने इस तरह लिख लोगे, ठीक है तो ये हो गया हास् और की परिभाषा और उदाहरण। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा गैस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें तो बस थैंक यू